आज हम ये बेकरी स्टाइल रस्क बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये रस्क बनते हैं और बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या लिया हमने, आधा कप हमने गाढ़ा दही लिया है, आधा ही कप हमने इसमें दूध मिलाया, हल्का गुनगुना सा दूध हमने इसमें मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप पाउडर चीनी और 1/4 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, ये क्रीमी सा बन जाएगा। ये देखिए ये मिश्रण हमारा बन गया है। तो बाकी की चीजें इसमें मिला लेते हैं हम। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और 1/3 कप हम इसमें डालेंगे वेनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें मिला दिया। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें हम। इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे इसमें और इसे हम छान लेते हैं। तो ये दही वाले मिश्रण के ऊपर ही हमने इसे छान लिया, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मिक्स कर लिया। हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस और 1 चम्मच हम इसमें विनेगर। तो वेनिला एसेंस भी हमने 1 चम्मच डाला, 1 ही चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। तो ये देखिए ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे डालेंगे 1 लोफ टिन के अंदर। तो टिन को हमने तैयार कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये टिन हमने तैयार कर लिया बटर पेपर लगा के। तो अगर आपके पास इस तरह का लोफ टिन नहीं है तो आप गोल टिन में या स्क्वायर टिन हो उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए अब ये जाएगा हमारा ओवन के अंदर। ओवन को हमने 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लिया था। इसे हम बेकिंग मोड पर पूरे 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये देखिए ये हमने 30 मिनट के लिए सेट कर दिया है और ये हमारा केक जैसा बन के तैयार हो गया। तो अभी ये हमने बिल्कुल हमारा केक की तरह बन के तैयार हुआ। ये देखिए एकदम अच्छे से पक गया है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं फिर इसके हम स्लाइस काटेंगे। तो ये देखिए हमने इसे ठंडा कर लिया और अब इसके काट लेते हैं स्लाइसेस। तो पतले पतले जैसे कि रस्क होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसके स्लाइस हम काटेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये बना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं, टूटी फूटी क्रेक की तरह आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसे फिर से लगाएंगे हम ट्रे के अंदर जिसे हमें फिर से बेक करना है क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी से रस्क बनाने हैं। तो इसे हमने फिर से 20 मिनट के लिए बेक किया था और ये देखिए एकदम क्रिस्पी रस्क हमारे बनके तैयार हो गए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे ये रस्क बने हैं। तो ऐसे ही रस्क आप आसानी से बना सकते हैं। कितना आसान है इसे बनाना। अब आप घर में ही रस्क बना पाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।